राफेल घोटाले पर राहुल गांधी के माफी मांगने की बात को लेकर भाजपा प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी ओर जवाहर चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा की झूठ झपाटे और दिखावे की राजनीति के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में देखने वाली बात यह रही कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में लट्ठे देखे गए। दोनों पार्टियों का बीच बचाव देवास पुलिस ने भारी मशक्कत के साथ करवाया। कांग्रेसियों ने आज हमला करा प्रशासन की उपस्थिति में। प्रशासन हमको धक्का मार के राजी चार्ज कर रहा है, लेकिन इन कांग्रेसियों को कुछ नहीं बोला। भैया किस तरह का प्रशासन ने पूरी तरह कांग्रेसियों का साथ दिया। विरोध प्रदर्शन करने उग्र विरोध प्रदर्शन करने नहीं आए थे, लेकिन आज यहाँ पर जिस प्रकार कांग्रेस ने लकड़ियों के साथ प्रशासन की उपस्थिति में प्रदर्शन किया है, ये निश्चित रूप से इस प्रशासन की नाकामी है। लेकिन पूरे प्रशासन की मौजूदगी में ये गुंडागिरी हुई है और मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। प्रशासन इसके लिए निश्चित रूप से दोषी। पुलिस ने सिर्फ लाठीचार्ज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे किया है। जो नियंत्रण थे हम शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। देश को जो गुमराह करने का काम उन्होंने राफेल डील के मामले में किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान लेते हुए उनको अवमानना के लिए माफी मांगने को कहा है। जब कोर्ट के सामने उन्होंने माफीनामा लिखा है तो हमने मांग की कि देश की जनता से वो माफी मांगे। कोई लटनी हाथ में आपके सामने अध्यक्ष नेता खड़ा है, ऐसी बात आधे घंटे पहले व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे एक दिन पहले खबर करके देखे और अभी भी देख रहे हैं क्या हालत कर रखी है। 50 आदमी नहीं है यहाँ, 500 आदमी खड़े हैं कांग्रेस के। इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है क्या? और किससे किसके हाथ में किससे साथ दिया हमारा? 144 धारा लगी हुई है देवास, उनके पास परमिशन है क्या? हम तो हमारे कार्यालय में खड़े हुए, कांग्रेस कार्यालय जवाहर चौक में है, क्या हम हमारे दफ्तर में खड़े नहीं हो सकते? ये तो पूरे शहर में प्रदर्शन करते आते हैं। जेपी के पीछे लटले कौन दौड़ा है हमें तो पता ही नहीं, आप बता रहे हो कोई लटले के नहीं दौड़ा। ये तो हमेशा ही कहते आए इनकी क्या हालत है, तुम देख रहे हो मारे मारे चल रहे हैं, हर बात में प्रशासन साथ दे रहा है, प्रशासन साथ दे रहा है। अरे कानून का तुम उल्लंघन करोगे तो गिरफ्तार तुम ही होगे, कांग्रेस के थोड़ी होंगे। लेकर आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, वहीं आज देवास में एक ऐसा हादसा हुआ जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जिस राफेल घोटाले को लेकर बात कर रहे थे, तो बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। प्रशासन की मौजूदगी में यहां बड़ा हादसा होने का खतरा है और कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज जेल के पीछे डाला जाएगा, यह सोचने और समझने का विषय रहेगा। कैमरामैन शाहिद खान के साथ रितेश राठौर, खबर न्यूज देवास।